सो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इस 3x3 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर अभी अभी आपने इस क्यूब को ख़रीदा है तो भी आप इसके एक नहीं बल्कि पूरे 6 के 6 कलर्स को सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो के एक भी स्टेप को बिना मिस किए पूरा देखते हो। तो सबसे पहले हम इस रूबिक्स क्यूब को जान लेते हैं कि क्या पजल है, कैसे वर्क करता है और इसमें क्या क्या पीसेस हैं। तो इसमें एक कॉर्नर पीस होता है, हर कॉर्नर में एक एक होता है और इसमें तीन कलर होते हैं। उसके बाद एक एच पीस होता है जिसमें दो कलर होते हैं, तो दो कॉर्नर के बीच में एक एच पीस होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर पीस, ये हर कलर का एक ही होता है, हर साइड में एक ही कलर होता है और ये अपनी जगह पे फिक्स रहता है, कभी मूव नहीं होता। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे कि यहाँ पे वाइट है तो इस लेयर में वाइट बनेगा, ये हमें इस सेंटर पीस से पता चलता है क्योंकि यही हमारा रेफरेंस है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बात करते हैं इसके लेयर्स की। तो हर एक साइड को हम लेयर बोलते हैं, जैसे कि अपर वाली साइड तो इसको हम यू लेयर बोलेंगे, ये राइट वाली लेयर इसको आर बोलेंगे, लेफ्ट वाली लेयर को एल बोलेंगे, जो फ्रंट वाली लेयर है उसको एफ बोलेंगे, बैक वाली है उसको बी बोलेंगे एंड डाउन वाली है उसको डी बोलेंगे। तो इस तरह लेयर का हम यूज़ करेंगे। साथ में इसमें मिडल वाली लेयर भी होती है, ये एक मिडल वाली लेयर है और ये भी एक मिडल वाली लेयर है। अब बात करते हैं कि इस क्यूब को हम सॉल्व करने के लिए कौन सी मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे इजी वाली जो मेथड है, लेयर बाय लेयर मेथड, उसको यूज़ करेंगे। तो इसमें हम पहले जो टॉप वाली लेयर है उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद मिडल वाली लेयर को भी सॉल्व करेंगे, उसके बाद एंड वाली लेयर को। लेकिन इसको और ईजी बनाने के लिए और आसान बनाने के लिए हमने इसे कुछ और स्टेप्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे येलो के ऊपर वाइट का क्रॉस, उसके बाद हम वाइट का क्रॉस बनाएंगे, उसके बाद हम वाइट का एक पूरा लेयर बनाएंगे। इसके बाद हम सेकंड लेयर बनाएंगे जो कि कुछ इस तरीके का दिखेगा, उसके बाद हम येलो के ऊपर क्रॉस बनाएंगे, मतलब चारों एजेस सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम पूरा येलो सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम कॉर्नर्स को सॉल्व करेंगे और सबसे आखिर में जो एजेस बचे हैं उनको सॉल्व करने के बाद हमारा पूरा क्यूब जो है सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहली स्टेप से, जिसमें कि येलो के सेंटर पे हम वाइट के चार एजेस लगाने वाले हैं, मतलब ये वाइट का ही क्रॉस है बट येलो सेंटर पे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें येलो का सेंटर ढूंढना है और उसको ऊपर रखना है, उसके बाद इसके प्लस में मतलब इसके जो भी एजेस है वहाँ पे वाइट के एजेस हमें लगाने हैं। तो सबसे पहली स्टेप जो है वो हमें नीचे की लेयर में वाइट के एजेस ढूंढने हैं। तो नीचे की लेयर में अगर आप ढूंढोगे वाइट के एजेस में तो आपको एक एज दिख रही है, तो अगर नीचे कोई भी एज हो तो उसको आप राइट साइड में होल्ड करके डायरेक्टली ऊपर लगा सकते हैं। तो सोचो कि अगर मैंने क्यूब को ऐसा पकड़ा है और नीचे मुझे एक वाइट की एज दिखाई दी तो उसको मैं पकड़ूंगा राइट साइड में, और राइट साइड में पकड़ने के बाद जब राइट लेयर को मैं दो बार घुमाऊंगा तो ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारी पहली स्टेप है। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर से हम नीचे चेक करेंगे कि वाइट का कोई एज है कि नहीं। अभी यहाँ पे दो कॉर्नर दिख रहे हैं बट उनको कंसिडर नहीं करना, अभी हमें सिर्फ एज कंसिडर करना है। तो मिडल वाले लेयर में एज होते हैं, मतलब जो प्लस होता है वहाँ पर एजेस होते हैं, तो अभी यहाँ पर एक भी एज नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम मिडल वाले लेयर में चेक करेंगे, तो इसमें एक भी वाइट नहीं है, इसको टर्न करेंगे, अभी यहाँ पे मुझे एक वाइट दिख रहा है, तो इस एज को मैं डायरेक्टली ऊपर पुश करके लगा सकता हूँ। तो ये हमारा और एक एज लग गया। इसके बाद फिर से मैं स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट एज के लिए नीचे से। अभी नीचे मुझे एक वाइट का एज दिखाई दे रहा है, उसको मैं राइट साइड में होल्ड करूँगा। तो मैंने इसको राइट साइड में होल्ड किया और वाइट को फिर से नीचे रख दिया, येल्लो ही हमारा हमेशा ऊपर रहेगा। और अब मैं इसको ऊपर लगा सकता हूँ दो बार राइट वाला लेयर घुमा के कुछ इस तरीके से। बट यहाँ पे क्या इश्यू हो रहा है कि यहाँ पे पहले से ही हमारा वाइट लगा है वो टूट जाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो ऊपर वाली लेयर है येलो वाली उसको हमें घुमाना है ताकि ये दो जो बनाए हमने पहले ये टूटे ना। अभी जो नीचे वाला वाइट है उसको हम दो बार घुमा के ऊपर लगा सकते हैं। अभी इसके बाद आखिरी वाला हमारा एज बचा, तो फिर से सेम रिपीट करेंगे, नीचे ढूंढेंगे कि कोई एज है कि नहीं, यहाँ पे कॉर्नर से उसको कंसीडर नहीं करना है।
बट एज में एक भी वाइट नहीं है। उसके बाद मिडल वाले लेयर में सर्च करेंगे, यहाँ पे एक भी वाइट नहीं है, तो उसको रोटेट करेंगे। इस मिडल लेयर में भी एक भी वाइट नहीं है, फिर से रोटेट करो। इस मिडल वाली लेयर में भी एक भी वाइट नहीं है, तो और एक बार रोटेट करने के बाद हमें एक वाइट दिख गया जो कि मिडल वाले लेयर में है, और उसको हम सामने होल्ड करके, अभी जो राइट में है तो राइट वाले लेयर को ऊपर करके डायरेक्टली यहाँ पे येलो पे लगा सकते हैं। अभी इसमें कुछ सिचुएशन है जो मिस हो गई यहाँ पे, जो कि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो अभी यहाँ पे हमारे चार एजेस नहीं लगे हैं, एक केज और भी लगानी है, तो हम पहले क्या करेंगे, नीचे ढूंढेंगे, पर नीचे हमें एक भी वाइट नहीं मिला। उसके बाद मिडल लेयर में ढूंढेंगे, तो मिडल लेयर में भी हमें एक भी वाइट नहीं दिख रहा है। इसके बाद हमें नीचे वाली लेयर में ढूंढना है, तो नीचे वाली लेयर में हमें एक वाइट दिख रहा है, तो इसको लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसको लगाने के लिए इसके ऊपर वाइट नहीं होना चाहिए, और फिर यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे करता है वैसे हाथ रख के इसको टर्न करना है, इस लेयर को, तो इस तरीके से टर्न करना है, जिससे क्या होगा कि ये वाला वाइट मिडल में आ जाएगा, मिडल लेयर में इसको लगाना बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी यहाँ से हम लगा सकते हैं डायरेक्टली कुछ इस तरीके से, बट यहाँ पे हमारा जो पहले ही हमने वाइट लगाया है वो टूट जाएगा, तो उसको हम राइट साइड में पुश करेंगे ताकि ये टूटे ना। अभी हम इस एज को लगाते हैं तो ये डायरेक्टली लग जाएगा, और कोई भी एज जो बना हुआ है वो टूटेगा नहीं। तो और एक सिचुएशन है तो जिसमें हम नीचे देखेंगे वाइट नहीं मिलेगा, वाइट का एज नहीं मिलेगा, मिडल में भी नहीं मिलेगा, और नीचे वाली लेयर में भी हमें एक भी वाइट का एज नहीं मिलेगा। तो इस सिचुएशन में जहाँ पे वाइट नहीं लगा है वहीं पे वो उल्टा लगा होता है, तो इसमें भी सेम डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे हाथ रखना है, इस पर इस साइड पे हाथ रखना है और उसको घुमाना है क्लॉकवाइज, तो इससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो वाइट था वो मिडल लेयर में आ जाएगा, और मिडल लेयर में आ जाने के बाद इसको लगाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बट यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है कि अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ इसको तो ये वाला वाइट मेरा टूट जाता है, तो उसको बिना तोड़े लगाने के लिए हमें इसको टर्न करना पड़ेगा ऊपर वाली लेयर को। तो ऊपर वाली लेयर का हम टर्न करेंगे ताकि ये वाइट टूटे ना, और फिर उसके बाद इस वाइट को लगा देंगे और हमारी पहली स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। तो ये पहली स्टेप हमारी हो चुकी है जिसमें हमने येलो के ऊपर चार वाइट के एजेस लगाए हैं। अभी इन एजेस को हम ट्रांसफ़र करेंगे वाइट साइड में, तो उसके लिए येलो को हमें राइट साइड में होल्ड करना है और वाइट को लेफ्ट में। अभी यहाँ पे करना क्या है कि कोई भी एक वाइट के एज को चूज़ करें, जैसे कि मैं इसको चूज़ करूँगा रेड वाली को, और इसको मैच करूँगा रेड सेंटर से। तो इस टाइम ध्यान रखना है कि ये दो लेयर है उनको साथ में ही टर्न करना है, और ये रेड के ऊपर मैच हो गया। जैसे ही मैच हो जाएगा इस वाइट को दो बार घुमा के, ऊपर वाले लेयर को दो बार घुमा के हमें इसको वाइट की तरफ ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद नेक्स्ट एज, जैसे कि ये ऑरेंज वाला, इसको ऊपर पकड़ना है। ऑरेंज वाइट को मैंने ऊपर होल्ड किया, अभी इसको सेंटर से मैं मैच करूँगा। तो इन दो लेयर को मैं साथ में घुमाऊँगा और ये मेरा ऑरेंज मैच हो गया। जैसे ही मैच हो जाएगा मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगा लेफ्ट साइड में, मतलब वाइट साइड में। तो ऊपर वाली लेयर को कुछ इस तरीके से दो बार घुमा के मैं इस ऑरेंज को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो येल्लो के साइड में ये वाला जो वाइट है उसको कंसिडर करेंगे। अभी यहाँ पे है ब्लू कलर, तो इन दोनों लेयर को साथ में घुमाना है और ब्लू के सेंटर को मैच करना है, और उसके बाद जैसे ही मैच हो जाएगा हम इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे ऊपर वाली लेयर को दो बार घुमा के, और ये इस साइड में आ जाएगा। उसके बाद जो बचा हुआ एज है ये वाला वाइट ग्रीन, इसको भी ग्रीन से मैच करेंगे, तो ये दोनों लेयर को एक साथ घुमाएंगे, सेंटर से मैच हो गया। अभी ऊपर वाले लेयर को दो बार घुमाएंगे तो ये हमारा भी ग्रीन वाला वाइट ट्रांसफ़र हो गया वाइट साइड में। अब हमारा वाइट का क्रॉस बन गया और सेंटर से भी मैच हो रहा है। अभी हमारा वाइट का क्रॉस हो चुका है सॉल्व, और इसके बाद हम लगेंगे कॉर्नर्स, और उसके बाद हमारा क्यूब क्यूज इस तरह दिखेगा। फर्स्ट लेयर हमारा सॉल्व हो जाएगा इस स्टेप के बाद। तो हमें वाइट के कॉर्नर्स ढूंढने हैं और उनको उनकी सही पोजीशन में लगाना है। तो सबसे पहली स्टेप, वाइट को टॉप पे होल्ड करना है, एंड उसके बाद आपको बॉटम वाले लेयर में वाइट के कॉर्नर्स ढूंढने हैं। तो यहाँ पे वाइट का कॉर्नर्स नहीं दिख रहा है, क्यूब को टर्न करते हैं, यहाँ पे भी वाइट का कॉर्नर नहीं है,
क्यूब को टर्न करते हैं, यहाँ पे वाइट का कॉर्नर है, उसके बाद उस वाइट के कॉर्नर में कौन से कलर्स है, तो इसमें है ऑरेंज और ग्रीन। तो इस वाइट के कॉर्नर को मूव करना है ऑरेंज और ग्रीन के सेंटर के बीच में। तो यहाँ पे ऑरेंज और ग्रीन सेंटर है, इसमें भी ऑरेंज और ग्रीन कलर है, तो इसके बीच में ही इसको रखना है। उसके बाद इस वाइट को सामने होल्ड करना है। अभी हमने इसको सही पोजीशन के नीचे लाया, अभी इसको ये लगाना। तो लगाने के लिए सबसे पहले देखना है कि ये कौन से साइड में लगेगा। अभी ये लगेगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये लेफ्ट में है, तो उसको मूव करना है राइट में, ताकि इसको हम नीचे ले आके इसमें हम इस कॉर्नर को फिट कर सके। तो इसको मैं एक ड्रॉवर कंसिडर करता हूँ, जैसे कि ड्रॉवर होता है हमारा। तो ड्रॉवर को नीचे खींचना है, इस कॉर्नर को उसमें रखना है और ड्रॉवर को वापस लगाना है। इस तरह हम इस कॉर्नर को लगा सकते हैं। सिमिलरली अभी फिर से हमें कॉर्नर ढूंढना है। तो यहाँ पे कोई वाइट का कॉर्नर नहीं है, टर्न करो। यहाँ पे वाइट का कॉर्नर है, यहाँ पे भी है, तो कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको चूज़ करूँगा। तो इसमें है रेड और ब्लू कलर, तो रेड और ब्लू यहाँ पे है, तो इसके बीच में मैं इसको लाऊंगा और उसके बाद वाइट को सामने होल्ड करूँगा। ऐसे नहीं होल्ड करना है, ऐसे ही होल्ड करना है, ताकि वाइट सामने रहे, क्योंकि सामने होता है वाइट तो लगाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसको लगाना है ऊपर। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले देखना है कि ये कौन से साइड में है। तो ये है लेफ्ट साइड में, तो उसको मूव करना है राइट साइड में। फिर ये हमारा ड्रॉवर है, इसको नीचे खींचना है, इसमें ये कॉर्नर रखना है और ड्रॉवर को वापस लगाना है। उसके बाद ये मुझे नेक्स्ट कॉर्नर दिख रहा है, इसमें है ब्लू और ऑरेंज, और लकीली ये ब्लू और ऑरेंज के ही बीच में है। तो अभी ये लगेगा ऊपर, क्योंकि ये वाइट हमारे सामने है, तो ये लगेगा ऊपर राइट साइड में। तो अभी सबसे पहले इसको लेफ्ट में मूव करना है। पहले लेफ्ट में था तो हमने राइट में मूव किया था, अभी राइट में है तो हम लेफ्ट में मूव करेंगे, जिसकी वजह से हम इस ड्रॉवर को खींच पाएंगे। अगर इसको यहीं पे रखते, ड्रॉवर को खींचते, वो इसके साथ नीचे चला जाता, तो इसको हम नहीं लगा पाते थे। तो इसीलिए सबसे पहले इसको लेफ्ट में पुश करना है, इस ड्रॉवर को खींचना है, ड्रॉवर में कॉर्नर को रखना है और ड्रॉवर को वापस लगाना है। सिमिलरली नेक्स्ट कॉर्नर ढूंढेंगे हम। ये रहा, अभी एक ही जगह बची, तो इसके बीच में ही इसको रखना है। लेकिन फिर भी मैं दिखाता हूँ आपको, ग्रीन और रेड है, तो ये ग्रीन और रेड के बीच में ही रहेगा। तो ये कॉर्नर को लेके आया मैं ग्रीन और रेड के बीच में, वाइट को सामने होल्ड किया मैंने। अब ये राइट में है, तो मैं इसको लेफ्ट में पुश करूँगा, इस ड्रॉवर को खींचूँगा, इसमें इस कॉर्नर को फिट करूँगा और इसको वापस लगाऊंगा। अभी इस स्टेप पे कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस है, जो कि मैंने अभी दिखाया है, उनसे थोड़ी अलग है। तो इस सिचुएशन में हमारे तीन कॉर्नर बचे हैं और हम नीचे की लेयर में ढूंढेंगे तो हमें एक भी वाइट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब एक तो वो कॉर्नर उसी जगह पे उल्टे लगे हैं, या फिर बॉटम वाली लेयर में है। तो यहाँ पे एक कॉर्नर जो है बॉटम वाली लेयर में, तो इसको कैसे लगाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो जब कॉर्नर वाइट का पीस जो है बॉटम लेयर में हो, वाइट कलर नीचे, तो उसके कलर देखने हैं ऑरेंज और ग्रीन। तो उसको ऑरेंज और ग्रीन के बीच में लेके आना है। तो ये यहाँ पे लगेगा, ये कॉर्नर यहाँ पे लगेगा, लेकिन ये यहाँ पे या यहाँ पे वाइट का जो पीस है वो नहीं है, वाइट कलर नहीं है, वो बॉटम में है। तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें। उसके लिए क्या करना है, ड्रॉवर को पहले खींचना है और बॉटम लेयर को 2 बार घुमाना है, उससे ये वाइट का जो पीस है वो जो नीचे था वो सामने आ जाएगा, और फिर ड्रॉवर को वापस लगाना है। इसके बाद हम इस वाइट को जैसे वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले सॉल्व किया था, जैसे कि ऑरेंज और ग्रीन है इसमें, तो उसको ऑरेंज और ग्रीन में लेके आए, वाइट को सामने पकड़ा। अब ये लगेगा लेफ्ट में, तो लेफ्ट में लगाने के लिए उसको राइट में पुश करना है, ड्रॉवर को खींचना है, कॉर्नर को फिट करना है और ड्रॉवर को वापस लगाना है। सिमिलरली यहाँ पे एक और एक वाइट है जो नीचे है, तो इसमें कलर है रेड और ग्रीन, तो उसको हम रेड और ग्रीन के नीचे लेके आएंगे। उसके बाद इस ड्रॉवर को खींचेंगे, जिससे वाइट पीछे चला जाएगा, और बॉटम वाले लेयर को 2 बार घुमाएंगे, इससे ये वाइट सामने आ जाएगा और ड्रॉवर को वापस लगा देंगे। अभी इसमें कौन सा कलर है, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड के बीच में लेके आएंगे, वाइट को सामने पकड़ेंगे, ये है लेफ्ट में, तो इसको राइट में मूव करेंगे, इस ड्रॉवर को खींचेंगे, इसमें इस कॉर्नर को फिट करके लगा देंगे। अभी और एक सिचुएशन है, यहाँ पे बॉटम वाली लेयर में एक भी वाइट नहीं है और नीचे भी वाइट नहीं है, इसका मतलब ये वाइट अपनी जगह पे उल्टा लगाया है। तो जब कोई भी वाइट अपनी जगह पे उल्टा लगा होता है, तो सिंपली उस जगह पे हम येलो लगा सकते हैं। तो सोचो कि इस येलो को हमें इस जगह पे लगाना है, तो इसको राइट लेफ्ट, राइट में है तो लेफ्ट में पुश करो, इसको नीचे खींचो,
इस येलो को लगा दो और ड्रॉअर को वापस लगा दो। इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो व्हाइट था वो बाहर निकल गया, जो कि नीचे के लेयर में आ गया। अब इस व्हाइट को फिर से हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये अपनी पोजीशन पे रेड ब्लू के सेंटर के बीच में है। व्हाइट को सामने होल्ड करो, ये राइट में है तो लेफ्ट में पुश करो, ड्रॉअर को खींचो, कॉर्नर को फिट करो ड्रॉअर में और ड्रॉअर को वापस लगा दो। और ये हमारा जो है फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो चुका है।